हेलो दोस्तों, एरा एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम 19 मई की टॉप 10 करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को कवर करेंगे केवल 5 मिनट में। आज के करंट अफेयर से रिलेटेड क्यूज आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज की हमारी फर्स्ट करंट अफेयर है प्लाज्मा थेरेपी रिमूव फ्रॉम कोविड-19 गाइडलाइन। ICMR ने प्लाज्मा थेरेपी को कोविड-19 गाइडलाइन से रिमूव कर दिया है। ICMR का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ICMR का फॉर्मेशन हुआ था 1911 में IRFA के नाम से और 1949 में से रिनेम कर दिया गया एज ICMR। अगर हम बात करते हैं कि प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड के अंदर दो पार्ट होते हैं, 55% प्लाज्मा और 45% ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स तीन तरह की होती हैं, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। RBC का काम होता है ऑक्सीजन ले जाना, WBC का काम होता है पैथोजन से हमारी रक्षा करना, प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड क्लोटिंग। अगर हम बात करें प्लाज्मा थेरेपी क्या होता है, तो प्लाज्मा थेरेपी में जो व्यक्ति कोविड-19 से रिकवर होते हैं उनके अंदर कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं, जिनका प्रयोग कोरोना वायरस से लड़ रहे पेशेंट के अंदर प्लाज्मा ट्रांसफर करके किया जाता है। यूरोपीय एक्वेटिक चैंपियनशिप, इसका आयोजन बुडापेस्ट में हुआ है, जिसके विजेता मार्टिन माल्यूटिन रहे हैं, जो कि रूस के तैराक हैं। बुडापेस्ट हंगरी की कैपिटल है। डॉक्टर के अग्रवाल डाइड फ्रॉम कोविड-19। डॉक्टर के अग्रवाल ये एक कार्डियोलॉजिस्ट थे, जिन्हें 2005 में BC रॉय अवार्ड और 2010 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। ये IMA के पूर्व अध्यक्ष थे। IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1928 में और हेडक्वार्टर दिल्ली में है। पद्मश्री भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को हुई थी। 2021 में 102 लोगों को पद्मश्री प्रदान किया गया है। के राज नारायण का निधन हो गया है। ये तमिल लेखक हैं, जो पुद्दुचेरी से बिलोंग करते हैं। इन्हें की रा के नाम से भी जाना जाता है। के राज नारायण को साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। साहित्य अकादमी का अवार्ड स्टार्ट हुए थे 12 मार्च 1954 से। पहला साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था 1955 में, जो कि हिंदी में मिला था माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी काव्य हिम तरंगनी के लिए। साहित्य अकादमी अवार्ड 24 भाषाओं में दिए जाते हैं, जिनमें से 22 भाषाएं तो अनुसूची 8 की हैं और 2 भाषाएं हैं राजस्थानी और इंग्लिश। कोवैक्सीन के टीके को 2 से 18 साल तक के बच्चों को लगाने के लिए दूसरे तीसरे चरण की परीक्षण की मंजूरी। कोवैक्सीन भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई है। भारत बायोटेक हैदराबाद में स्थित है। कोवैक्सीन स्वदेश में निर्मित वैक्सीन है। भारत का पहला कृषि निर्यात केंद्र पुणे महाराष्ट्र में। मेहराता चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर ने नाबार्ड की सहायता से खोला है। इसका उद्देश्य कृषि निर्यात को बढ़ावा तथा गुणवत्ता के मानक निश्चित करना है। नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना शिव रमन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को हुई। नाबार्ड का हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके हेड हैं गोविंद चिंतालू। इंटरनेशनल सबमरीन केबल सिस्टम दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र के अंदर ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क है, जो इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगा। इसका निर्माण रिलायंस जियो सबकॉम कंपनी के साथ करेगी। रिलायंस जियो यह 2 केबल नेटवर्क बिछाएगी, फर्स्ट इंडिया एशिया एक्सप्रेसवे और इंडिया यूरोप एक्सप्रेसवे। इंडिया एशिया एक्सप्रेसवे का एम है थाईलैंड तक नेट कनेक्टिविटी पहुंचाना, जो 2023 से स्टार्ट होगा। इंडिया यूरोप एक्सप्रेसवे का एम है इटली तक नेट कनेक्टिविटी पहुंचाना, जो 2024 से स्टार्ट होगा। फादर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर है नरेंद्र सिंह कृपाणी। ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। सिमोर्ग सुपर कंप्यूटर है, जिसे ईरान ने बनाया है, जिसकी क्षमता 0.56 पेटाफ्लॉप्स है। ईरान की कैपिटल तेहरान है और ईरान की नई मुद्रा है तोमान। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है फुगाकू, जापान का। हमारे देश भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है प्रत्युष। हमारे देश भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है परम 8000, जिसे CDAC ने बनाया था। विश्व में सुपर कंप्यूटर के जनक हैं सैमुअल क्रे और भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक हैं विजय भटकर।
फर्स्ट वर्चुअल स्कूल, पहला वर्चुअल स्कूल सेटअप करेगी दिल्ली गवर्नमेंट। दिल्ली कैपिटल है इंडिया की, सीएम है अरविंद केजरीवाल, विधानसभा की सीट है 70, उपराज्यपाल है अनिल बैजल। पहली टीचर यूनिवर्सिटी भी बन रही है दिल्ली में, पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी बन रही है तेलंगाना में, पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनेगी मणिपुर में। सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस, उपग्रह इंटरनेट सेवा गूगल क्लाउड और स्पेसएक्स दोनों मिलकर प्रदान करेंगे। स्पेसएक्स कंपनी है यूएसए की, इसके मालिक हैं इलॉन मस्क। अभी स्पेसएक्स कंपनी ने एक साथ फॉल्कन 9 रॉकेट से 143 सैटेलाइट ले जाने का रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड भारत के नाम था। भारत की इसरो ने पीएसएलवी C-37 रॉकेट से 104 सैटेलाइट लॉन्च कर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और क्यूज़ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।